नाबालिग शिष्या से दुष्कर्म के मामले में आसाराम 77 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वह अब आजीवन जेल में रहेगा। उसके दो सहयोगियों शिल्पी और शरतचंद्र को भी 20 से 20 साल जेल की सजा हुई। कोर्ट रूम में सजा सुनकर आसाराम पहले रोना लगे और फिर कहा कि जैसी ऊपर वाले की मर्जी, हम यहीं जेल में रहेंगे। इससे पहले विशेष सीएसटी कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा ने बुधवार सुबह सेंट्रल जेल में कोर्ट लगाकर इन्हें दोषी करार दिया था। फैसले और सजा के खिलाफ आसाराम राजस्थान हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। दो वजह जिनके चलते आसाराम को दोषी करार दिया गया। एक, जहां लाखों लोगों की आस्था जुड़ी होती है उसका अपराध ज्यादा गंभीर माना जाता है। ऐसा ही राम रहीम के केस में भी हुआ था। उस केस में जज ने कहा था, जिसने अपनी साध्वियों को ही नहीं छोड़ा और जो जंगली जानवर की तरह पेश आया, वे किसी रहम का हकदार नहीं है। दो, मामला नाबालिग से दुष्कर्म का था। जिसके संरक्षण में नाबालिग रहता है वही उसका शोषण करे तो अपराध और भी संगीन माना जाता है। हाईकोर्ट में ही हो सकती है अपील। पॉक्सो एक्ट के तहत बनाई गई कोर्ट जिला और सेशन कोर्ट स्तर की होती है। ऐसे में अब फैसले और सजा के खिलाफ अपील सीधे हाईकोर्ट में होगी। आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे ने कहा कि हम अपनी कानूनी टीम से सलाह लेंगे, इसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। फैसले की सबसे बड़ी कड़ी, पीड़ित लड़की का अपने बयान पर टिके रहना। एक, दुष्कर्म की शिकार लड़की उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली है। आसाराम के समर्थकों ने उसे और उसके परिवार को बयान बदलने के लिए बार बार धमकाया। दो, उत्तर प्रदेश से बार बार जोधपुर आकर केस लड़ने के लिए उसके पिता को ट्रक तक बेचने पड़े। तीन, आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले 9 लोगों पर हमला हुआ। 3 गवाहों की हत्या तक हुई। जान गंवाने वालों में लड़की के परिवार के करीबी दोस्त भी थे। 4, कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिशें हुई। जांच अधिकारी को बचाव पक्ष के वकीलों ने बार बार कोर्ट में बुलवाया। 1 गवाह को 104 बार बुलाया गया। 5, आसाराम की तरफ से लड़की पर अपमानजनक आरोप लगाए गए। ये तक कहा गया कि मानसिक बीमारी के चलते लड़की की पुरुषों से अकेले मिलने की इच्छा होती है। 6, फिर भी 27 दिन की लगातार जिरह के दौरान पीड़ित लड़की अपने बयान पर कायम रही। उसने 94 पनों में अपना बयान दर्ज कराया। 7, आसाराम के वकीलों ने पीड़िता को बालिग साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उम्र पर संदेह की कोई जायज वजह नहीं मिली। 8, जांच अधिकारी ने भी 60 दिन तक हर धारा पर ठोस जवाब दिए। 204 पनों में बयान दर्ज हुए।